आध्यात्मिकता की आड़ में अंधविश्वास का खेल, अस्पताल प्रबंधन की चुप्पी पर उठे सवाल, आत्माओं को बुलाने का खेल या फिर वाकई में हकीकत, क्या वाकई में परिजनों से मिलने आती हैं आत्माएं? नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश कुमार। आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे पर अक्सर लोग बात करने से पहले या तो हिचकिचाते हैं या डरते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आत्मा, अंधविश्वास और तमाम चीजें, ऐसा एक वाकया राजस्थान के कोटा में देखने को मिला है। अक्सर आत्माओं की कहानियां और किस्से और बातें आपने सुनी होगी, लेकिन हकीकत जिंदगी में शायद ही आपका कभी वास्ता पड़ा। आध्यात्मिकता के लिहाज से पराशक्तियों को लेकर कई मर्तबा दावे भी किए गए, लेकिन वैज्ञानिकता के लिहाज से कुछ लोग इन्हें मानते भी हैं और नहीं भी। लेकिन आज भी कई इलाकों में इन बातों को लेकर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है, जिसकी वानगी देखने को मिली कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS अस्पताल। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में चल रहा यह पूजा पाठ का दृश्य किसी नए कार्य के शुभारंभ या अन्य किसी खुशी का नहीं है। दरअसल यहाँ आत्मा को बुलाया जा रहा है, और वो आत्मा है अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीज की। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 साल पहले सिमलिया इलाके में रहने वाले बालकृष्ण की बिजली की 11 kV लाइन के चपेट में आने से मौत हो गई थी। चूंकि बालकृष्ण की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी, इसलिए मृतक बालकृष्ण के परिजन आज आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों की माने तो बालकृष्ण की मौत के बाद उनके घर में लगातार अशांति बनी हुई थी, और तांत्रिकों ने इसकी वजह बालकृष्ण के अस्पताल में भटकती आत्मा को बताया। फिर क्या था, वो तमाम परिजन बालकृष्ण की भटकती आत्मा को लेने के लिए और शांति के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके लिए आत्मा को बुलाने के लिए बाकायदा अस्पताल के मेन गेट पर तमाम तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जोत जलाई जाती है, अगरबत्ती जलाकर के पूजा पाठ भी किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि बालकृष्ण की आत्मा को बुलाया जा सके। जो भी भगवान बाबू जी ने जो बताया था उस प्रोसेस आए थे, ऐसा नहीं चलती थी घर में हमारा उठाने का जो वो होता है, मतलब 1:15 के समथिंग मुहूर्त है, उस टाइम पर निकल जाएगा। टिमलिया जो है ना गांव कोटा के पास समरासल ढाबा है, वहाँ पर ट्रक खड़ी थी और उस पर चढ़े थे तो 11,000 की लाइन जा रही थी सिंगल पे, उसका हार्ट टच हो गया था तो नीचे गिर गए थे, सर में चोट लगने की वजह से। वहीं इस मामले को लेकर नवतेज टीवी ने अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि अब वैज्ञानिकता के इस दौर में अंधविश्वास की कहानी कितना सही है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के जवाब से आप भी हिल जाएंगे। अस्पताल अधीक्षक ने इस पूरे मामले को सामान्य बताया और अक्सर होने की बात कही। अधीक्षक ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से टिप्पणी करना सही नहीं होगा, वे सिर्फ स्थानीय पुलिस चौकी पर सूचना दे देते हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन वैज्ञानिकता के इस दौर में आध्यात्मिकता और अंधविश्वास का दायरा कितना होगा इसे तय करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आध्यात्मिकता की आड़ में सिर्फ छलावा किया जा रहा हो। वहीं अस्पताल प्रबंधन की चुप्पी भी इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े करते हैं। सोचना लाजमी है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि जिस शख्स की मौत हो चुकी हो उसको वापस बुलाने के लिए तमाम तांत्रिक क्रियाएं की जाए और उसकी आत्मा वाकई में लौट आए? अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारी तरफ से हम किसी को इस तरह का न तो प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, फिर भी जैसे भी हमारे ऐसे मामले ध्यान में आते तो हम उनको, ऐसा जो आप बता रहे हैं तो मेरे को संज्ञान में आया नहीं, लेकिन आए दिन इस तरह के मामले होते रहते हैं, मेरे पहले भी संज्ञान में आए हैं, तो हम पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, उनको उठवाते हैं, उनके धार्मिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम पुलिस वाले जो हमारे पुलिस चौकी है हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो उनको रोकते भी हैं, कहीं रुकते भी हैं, मान भी जाते हैं, कहीं नहीं भी मानते उनको समझाए इस करते हैं। आज के किस ले बात को लेकर दोहरा हो रहा है सर? नहीं, आज तो यही कि हमें समय मिल गया, जब भी हमें समय मिलता है तो हम हमारे MBS परिसर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।